प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह अवैध शराब और उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है। अम्बाला के बाद फरीदाबाद में भी ऐसी ही एक देसी शराब की अवैध फैक्ट्री का पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां और शराब बनाने वाले केमिकल और उनके लेबल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव सीकरी के पास 3 शेड के अंदर देसी शराब अवैध रूप से बनाई जा रही थी। मौके से सेल 4 UP लिखे हुए लेबल भी बरामद किए हैं। अवैध शराब बना रहे थे? कहां बना रहे थे और कब से? जगह का तो नाम मालूम नहीं जी। कब से बना रहे थे? फैक्ट्री में थे जी, अब तो 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए तो किस तरीके की दारू बनाते हो? कौन कौन सी दारू बनाते हो? फाइटर जी। बेचते कहाँ? सप्लाई कहाँ करते हो? यूपी में लेकर जाते हैं तेरे जी। इससे पहले कोई काम था? मालिक यूपी लेकर जाते। देखिए, कल दौरान गश्त मुकबर द्वारा सूचना मिली थी कि सीकरी गांव में साहूपुरा रोड पर एक शेड बना हुआ है, उसमें कुछ लोग अवैध शराब तैयार करके यूपी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। इसी सूचना पर तुरंत रेड पार्टी तैयार की गई, एक्साइज इंस्पेक्टर को भी साथ लिया गया और वहाँ रेड की तो भारी मात्रा में लगभग 50 पेटी यूपी मार का फॉर सेल यूपी लिखा हुआ था पौवे शराब बरामद हुए, तथा वहाँ बैठे लोग ड्रम में केमिकल वगैरह मिलाकर नकली शराब बना रहे थे। तो उनको वहाँ बरामद जो शराब और वहाँ जो सील लगाने की ढक्कन पेटियाँ गत्ता स्टिकर वगैरह को कब्जा पुलिस में लिया गया, शराब को कब्जा पुलिस में लिया गया। वहीं एक गाड़ी यूपी नंबर 15AW97 खड़ी थी, जिसके अंदर भी 5 पेटी इलीगल शराब बरामद हुई। तो अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, 5 आदमियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक आदमी सन्नी सोनीपत का रहने वाला है, बाकी गौरव रजनीश लखेराम वगैरह ये 4 आदमी बिहार के मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये शराब यहाँ बनाने के बाद यूपी में सप्लाई किया करते थे। पुलिस अब इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।